स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत एक डाइवर्स लैंडस्केप होने के साथ ही वास्ट रिवर नेटवर्क से ब्लेस्ड है। ये रिवर्स पूरे देश की लाइफलाइन होने के साथ साथ देश के कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट को शेप देने का काम करती हैं। यूं तो इंडिया में 8 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, पर छोटी बड़ी मिलाकर यहाँ 400 से भी अधिक नदियां मौजूद हैं। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत में बहने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का लंबा सफर तय करती है, और इस सफर में ये देश के 5 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप एजी लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10th ऑफ अक्टूबर से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी एजी लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, उत्तराखंड में गंगोत्री और खाटलिंग ग्लेशियर बेस से 19 किलोमीटर दूर बसा है गौमुख नाम का स्थान, जहां से गंगा की पहली मेन अपस्ट्रीम यानी भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट होती है। दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसकी टोटल लेंथ 30 और विड्थ 2 किलोमीटर है। भागीरथी रिवर इसी गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में मौजूद गोमुख से अपना सफर शुरू करती है। भागीरथी के सेकंड ट्रिब्यूटरी केदार गंगा है, जो केदार ताल से निकलकर गंगोत्री धाम में भागीरथी में मिलती है। आगे बढ़ने पर भागीरथी में आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है जाह्नवी रिवर, इसे जात गंगा भी कहा जाता है। जात गंगा उत्तरकाशी में लोकेटेड तिचनोरा मल्ला से ऑरिजिनेट होती है और ये भैरव घाटी नाम की जगह पर आकर भागीरथी में विलीन हो जाती है। उसके बाद झाला नाम की जगह पर सिया गंगा भागीरथी में आकर मिलती है। फिर डोडी ताल से निकलने वाली असी गंगा गंगोरी नाम की जगह पर भागीरथी रिवर में मर्ज हो जाती है। यहाँ से भागीरथी रिवर की विड्थ बढ़ने लगती है, क्योंकि टिहरी डैम इसी पर बना हुआ है और टिहरी डैम रिजर्व में मौजूद पानी इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। यहाँ से आगे चलकर भागीरथी देवप्रयाग पहुँचती है, जिसके लिए गंगा की इस मेन अपस्ट्रीम को 205 किलोमीटर का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सफ़र तय करना पड़ता है। दोस्तों, गंगा की दूसरी मेन अपस्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। वैसे तो अलकनंदा की शुरुआत सतोपंत ग्लेशियर से होती है, लेकिन अपने शुरुआती सफ़र में ये नदी छोटे से रूप में पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अलकनंदा को बड़े और विशाल रूप प्रदान करने का काम दो अलग अलग नदियों के द्वारा किया जाता है। इन दोनों नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा का सफर नीति पास से, तो वहीं विष्णु गंगा का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग नाम के स्थान पर एक दूसरे में मिल जाती है और इनके कॉन्फ्लुएंस से अलकनंदा का रूप भी सूक्ष्म से विराट हो जाता है। विष्णुप्रयाग हमारे 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदा देवी सेंचुरी पर नंदा घुंटी के करीब मौजूद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली नंदाकिनी रिवर से मिलती है। जिस स्थान पर अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है, उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम है पिंडार। दोस्तों, पिंडार या जिसे पिंडार गंगा भी कहा जाता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस स्थान पर पिंडार का मिलन अलकनंदा से होता है, उसे करण प्रयाग कहा जाता है। करण प्रयाग हमारा 3रा प्रयाग है। इससे आगे चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। ये रिवर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, जो गंगा रिवर सिस्टम पर बनने वाला
चौथा प्रयाग है। अपने आगे का सफर जारी रखते हुए अलकनंदा गढ़वाल डिवीजन के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से करीब 195 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देवप्रयाग नाम के स्थान पर पहुंचती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इन दोनों नदियों के संगम से जिस नदी धारा की उत्पत्ति होती है उसे ही गंगा नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा नाम की उत्पत्ति वाला ये देवप्रयाग पांच प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग है। दोस्तों दरअसल प्रयाग का लिटरल मीनिंग कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ रिवर्स होता है, यानी ऐसा स्थान जहां दो या दो से ज्यादा नदियां आपस में मिल रही हों। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग इस इलाके में मौजूद वो पांच प्रयाग हैं जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। दोस्तों देवप्रयाग से ये नदी गंगा के रूप में अपना सफर शुरू करती है जहां गंगा टिहरी और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लाइन बनाते हुए आगे बढ़ती है। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नयार नदी गंगा में आकर मिलती है। नयार गंगा की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है और ये फूलचट्टी नाम की जगह पर गंगा से मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बनाली कश्माली धार से ओरिजिनेट होने वाली चंद्रभागा रिवर ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा रिवर में मिलती है। वैसे तो चंद्रभागा गंगा की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जिस वजह से इस नदी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन पिछले साल सोशल प्रैक्टिसेस के चलते इस रिवर का एक गार्बेज डंपिंग जोन बन जाने की वजह से ये रिवर काफी चर्चा में रही थी। यहीं दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रभागा नाम की एक दूसरी प्रमुख नदी महाराष्ट्र में भी बहती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी चंद्रभागा से अलग है। बहरहाल आगे चलते हुए गंगा टिहरी धनौल्टी के पास सुरकंद माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाली सोंग नदी से ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच मिलती है। सोंग रिवर को देहरादून की मिराकुलस रिवर कहा जाता है। दरअसल इस रिवर में मिनरल्स का हाई कंटेंट मौजूद है जो आसपास के सॉइल को फर्टाइल बनाने के साथ साथ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद गंगा रिवर हरिद्वार में हर की पौड़ी में पहुंचती है। हर की पौड़ी वो जगह है जहां से रिवर गंगा माउंटेनियस रीजन से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है। हर की पौड़ी के पास एक बैराज बना हुआ है जिसे भीमगोड़ा बैराज कहते हैं। यहाँ गंगा से एक कैनाल निकाली गई है जिसका नाम अपर गंगा कैनाल है जो रुड़की से होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। वहीं इसी जगह से गंगा का फ्लो साउथ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा भारत का हृदय स्थल कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। बिजनौर में भी गंगा रिवर पर एक बैराज बना है जहां से मध्य गंगा कैनाल निकलता है। यहां से गंगा आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के नरोरा में प्रवेश करती है। ये वही जगह है जहां से लोअर गंगा कैनाल निकलता है। मुजफ्फरनगर के बाद गंगा फरुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुंचती है जहां नैनीताल से ओरिजिनेट होने वाली रामगंगा रिवर गंगा में आकर मिलती है। रामगंगा गंगा की एक फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कन्नौज से आगे बढ़ती हुई गंगा कानपुर और फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज वह स्थान है जहां उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली यमुना नदी गंगा से मिलती है। यमुना गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं ये गंगा की एकमात्र हिमालयन ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक में ज्वाइन करती है। प्रयागराज से आगे रिवर गंगा मिर्जापुर और वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ कैथी नाम की जगह पर पीलभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर लेक से ओरिजिनेट होने वाली गोमती रिवर गंगा में आकर मिलती है। गोमती रिवर राम गंगा की ही तरह गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गाजीपुर से आगे बलिया होते हुए गंगा बिहार में एंटर कर जाती है। इस तरह रिवर गंगा उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अपने बिहार के सफर में जब गंगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है तो सबसे पहले उसे कैमूर रेंजेस से ओरिजिनेट होने वाली कर्मनाशा रिवर का साथ मिलता है। कर्मनाशा यमुना की ही तरह गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बक्सर से आगे गंगा भोजपुर होते हुए सारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है जहां तिब्बतन प्लेटू के माप्चा शुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली घाघरा रिवर गंगा रिवर में आकर विलीन हो जाती है। घाघरा गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहां से आगे गंगा बिहार के कैपिटल पटना में प्रवेश करती है जहां झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होने वाली पुनपुन रिवर गंगा में आकर मिलती है जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पटना में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड
अमरकंटक हिल से ऑरिजिनेट होकर आने वाली सोन रिवर भी गंगा में ज्वाइन होती है। सोन भी पुनपुन की ही तरह गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बिहार में गंगा रिवर की मैक्सिमम लेंथ पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। दूसरी तरफ पटना के ऑपोजिट साइड में सिचुएटेड सोनपुर में नेपाल के हाई हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ऑरिजिनेट होकर आने वाली गंडकी नदी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, गंगा में मिलती है। गंडकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो हाजीपुर के करीब गंगा में मिल जाती है। अपने आगे का सफर तय करते हुए गंगा वैशाली समस्तीपुर के रास्ते कटिहार पहुंचती है। कटिहार में नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली कोसी रिवर का संगम गंगा से हो जाता है। कोसी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरह गंगा बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 445 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड में एंटर करती है। लेकिन झारखंड में गंगा का सफर बहुत छोटा होता है। दरअसल गंगा झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज में एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल की ओर चली जाती है। वेस्ट बंगाल में एंटर होते हुए गंगा मालदा डिस्ट्रिक्ट होते हुए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, जहां से इस रिवर का डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न साइड में चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गंगा पर फरक्का डैम बना हुआ है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धुलियान नाम की जगह के नॉर्थ में गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। इनमें एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसे पद्मा रिवर कहते हैं। वहीं इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी को हुगली का नाम दिया जाता है। हुगली सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और यहाँ से गंगा के इस रिवर सिस्टम को हुगली वेस्ट बंगाल की मेजर रिवर है, जिसके किनारे मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कोलकाता, डायमंड हार्बर और हल्दिया जैसे इलाके मौजूद हैं। हुगली रिवर की दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, दामोदर रिवर और रूप नारायण रिवर। वहीं अपने लंबे सफर के अंत में गंगा सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो सर, जैसा कि हमने पहले भी बताया, गंगा की दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से एक पद्मा बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में पद्मा रिवर के साथ ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है, जो हिमालय के तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम के सहारे बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर अरीछा नाम के स्थान पर पद्मा रिवर को ज्वाइन करती है। जमुना से मिलने के बाद पद्मा आगे बढ़ते हुए एक और रिवर को ज्वाइन करती है, जिसे मेघना कहा जाता है। ये रिवर बराक नाम से इंडिया के मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होती है और असम के लाखीपुर के पास प्लेन्स में एंटर करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। मेघना और पद्मा का मिलन बांग्लादेश के चंदपुर डिस्ट्रिक्ट के करीब होता है और यहाँ से गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी पद्मा का नाम भी मेघना ही हो जाता है। जमुना यानी हमारी ब्रह्मपुत्र, पद्मा यानी हमारी गंगा और मेघना मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो आज दुनिया का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए मेघना रिवर आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है और इस तरह से पूरा होता है गंगा रिवर का उत्तराखंड से शुरू हुआ सफर। दोस्तों, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक यानी माउंट एवरेस्ट को अपनी गोद में समेटे बैठा हिमालय एशिया की ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेन्स को तिब्बतन प्लेट्यू से सेपरेट करने वाली ये माउंटेन रेंज एशिया में बहने वाली कई रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। इन माउंटेन रेंजेस में ओरिजिनेट होने वाली नदियों में से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे प्रमुख नदियां हैं। तो यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ये रिवर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी जल का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। यानी ये नदी एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो एशिया के अलग अलग देशों से होकर बहती है। इन देशों में तिब्बत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। तिब्बत से लेकर बांग्लादेश के बीच फ्लो करने वाली ब्रह्मपुत्र का दायरा काफ़ी बड़ा है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, तो इस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। इन सब के अलावा इस विशाल नदी के शोर्स ने अपने जीवन काल में कई सिविलाइजेशंस और कल्चर्स के मिलन को भी विटनेस किया है, जिनमें आर्य अनार्य, मंगोल तिब्बतन, बर्मीज ड्रेविडियन और मुगल अहोम कल्चर्स का कोलिजन सबसे अहम है। तिब्बतन रीजन से ऑरिजिनेट होने वाली यह नदी अपने ओवरऑल कोर्स के दौरान अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिनमें सांगपो और जमुना जैसे नाम सबसे विख्यात हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ब्रह्मपुत्र रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट होती है और इसका एंड कहां होता है, किन किन कंट्रीज से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट डायरेक्शन क्या है। साथ ही हम ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी जानेंगे।
दोस्तों ब्रह्मपुत्र साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है जो तिब्बत, चाइना, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। हालांकि भूटान में से ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम का प्रवाह नहीं होता बल्कि यहाँ से बस कुछ छोटी सहायक नदियों का उद्गम मात्र होता है। एवरेज डिस्चार्ज के नजरिए से ये रिवर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और लेंथ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 15th लार्जेस्ट रिवर है। यदि हम इस रिवर के ऑरिजिन की बात करें तो 19th सेंचुरी से पहले इस रिवर का ऑरिजिन दुनिया के लिए एक मिस्ट्री की तरह था, लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ यूरोपियंस ने इसके ऑरिजिन पॉइंट के बारे में पता लगाया, जिसके बाद से 3 ग्लेशियर्स को ब्रह्मपुत्र रिवर का ऑरिजिन कंसिडर किया जाता है। इन ग्लेशियर में सबसे पहला नाम है कूबी ग्लेशियर, जिसे वाटर डिस्चार्ज के आधार पर इसका सोर्स माना जाता है। दूसरा नाम है चेमायुंगनुंग का, जिसे टर्म्स ऑफ लेंथ के बेसिस पर ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन पॉइंट माना जाता है। वहीं आखिरी नाम है अंगसी ग्लेशियर, जिसे सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन कंसिडर किया जाता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ये मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, जो कि मानसरोवर लेक के पास मौजूद है। मानसरोवर लेक को तिब्बत में मपांग युत्सो के नाम से भी जाना जाता है और ये फेमस माउंट कैलाश से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर मौजूद है। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र इंडिया में असम वैली के थ्रू रजौरान इलाके की बहुत सी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिल जाती हैं, जिनमें से कुछ फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिहिंग, धनसिरी और कलंग। वहीं मानस, कामिंग, संकोश और सुभानसिरी इसकी फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंसीडर की जाती हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज इसके राइट बैंक साइड से इसे ज्वाइन करती हैं, क्योंकि ये सभी ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रीजन से ऑरिजिनेट होकर आती हैं। साउथ वेस्ट तिब्बत से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर ब्रह्मपुत्र की ओवरऑल लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 2900 किलोमीटर है। वहीं इसकी एवरेज डेप्थ 38 मीटर्स और एटमोस्ट डेप्थ 120 मीटर्स है। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है, यानी ये एक लट वाली नदी है जहाँ ये विशाल नदी एक मोटी धारा ना होकर बिखरी हुई है और आपस में गुंडी हुई धारा के रूप में आगे बढ़ती है। यही वजह है कि ये नदी अपने सफर के दरमियान कई छोटे बड़े रिवर आइलैंड को बनाती हुई फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में डायडेंस और ओइडेंस जैसे नामों से पुकारा गया है। वहीं एंशियंट संस्कृत में इसे लोहित नाम की एक नदी का जिक्र किया गया है, जो त्रेता और द्वापर युग के दौरान भारत के सबसे पूरब में बहती थी। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लोहित और कोई नहीं ब्रह्मपुत्र रिवर का ही एंशियंट नाम था। आज असम में रहने वाले लार्जेस्ट एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप बोडो इसे भुल्लम बुथुर कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है मेकिंग अ गर्गलिंग साउंड। दरअसल ब्रह्मपुत्र रिवर असम के आसपास के इलाकों से निकलते वक्त गर्गलिंग साउंड यानी गुड़गुड़ाहट की आवाज पैदा करते हुए आगे बढ़ती है। इस वजह से बोडो ट्राइब इसे भुल्लम बुथुर बुलाती हैं। इस सब के अलावा मौजूदा वक्त में ब्रह्मपुत्र को और भी कई नामों से जाना जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन चलिए अब इस रिवर के कोर्स को फेज्ड मैनर में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मपुत्र साउथ वेस्ट तिब्बत के नदन हिमालयाज में सिचुएटेड माउंट कैलाश के पास मौजूद मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट होती हैं। इसके बाद ये रिवर 4000 मीटर की एवरेज हाइट पर करीब 1700 किलोमीटर तक ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वही कारण है कि इस रिवर को वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अपने अपर कोर्स में ब्रह्मपुत्र को जनरली सांगपो, जिसका अर्थ प्योरीफायर है, के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका चाइनीज नेम यारलंग जांगबो भी है। हिमालयन रेंजेस की पैरेलल चलते हुए अपने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर ब्रह्मपुत्र रिवर माउंटेन नामचा बरवा के पास साउथ डायरेक्शन में मुड़ते हुए एक जॉर्ज का निर्माण करती है। इसी दौरान ये यारलंग सांगपो केनियन यानी एक घाटी का निर्माण करती है, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट केनियन है। इसके आगे बढ़ते हुए रिवर ब्रह्मपुत्र इंडिया के नदन अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दोस्तों इंडिया में ब्रह्मपुत्र की जर्नी अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और यह अरुणाचल में जैसे ही एंटर करती है सियांग रिवर के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल का माउंटेन रीजन के बाद यह प्लेन्स में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और प्लेन्स में इसका नाम दिहांग रिवर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करीब 230 किलोमीटर फ्लो करती है और पासीघाट पहुंचती है। पासीघाट से करीब 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्लो करती हुई साउथवर्ड डायरेक्शन में असम वैली में एंटर करती है। असम वैली की कुछ रीजन में इसे लुइत रिवर भी कहा जाता है। असम वैली रीजन में दो मेजर रिवर्स दिबांग और लोहित आकर इसमें ज्वाइन होती हैं। दिबांग रिवर इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से और लोहित ईस्टर्न तिब्बत रीजन से ऑरिजिनेट होकर आती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के सादिया टाउन के पास ज्वाइन होती हैं। या हम यू भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों रिवर्स आपस में ज्वाइन होती हैं। इस कन्वर्जेंस पॉइंट से रिवर काफी वाइड हो जाती है और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है।
दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि लोहित रिवर पर ही भूपेन हजारिका सेतु बना है, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। आगे चलकर इसमें एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, जिसे देहिंग रिवर या बूढ़ी देहिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न हिमालय से ऑरिजिनेट होकर आती है। ये रिवर डिब्रूगढ़ के पास देहिंगमुख नाम के स्थान पर ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच बोगीबील ब्रिज बना हुआ है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। अपने आगे के सफर को जारी रखते हुए ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। नदन चैनल को खेरकुटिया और सदन चैनल को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। जहां ये दोनों चैनल डिवाइड होते हैं, वहां वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, माजुली आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि 2016 में इसे असम का एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस आइलैंड को क्रॉस करके करीब 100 किलोमीटर बाद वापस दोनों चैनल फिर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। आगे चलने पर तिब्बत से ओरिजिनेट होकर आने वाली सुबानसरी रिवर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद दिखौ रिवर, जो कि नागालैंड के हिल से ओरिजिनेट होकर आती है, वो दिखौमुख में आकर ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। वहीं धनसिरी नाम की एक और रिवर नागालैंड से ओरिजिनेट होकर आती है, जो धनसिरी मुख में ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। ये दोनों रिवर्स ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके आगे तेजपुर में ब्रह्मपुत्र रिवर में जिया भोरोली रिवर ज्वाइन करती है, जिसे कामिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कोपिली मुख में मेघालय से ओरिजिनेट होने वाली कोपिली रिवर आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र शिलोंग प्लेटू को कट करती हुई बढ़ती है और गुवाहाटी में इसकी विड्थ सबसे कम हो जाती है। गुवाहाटी से सटे सराई घाट में रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज है, जिसका इनॉग्रेशन देश के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1962 में किया था। गुवाहाटी से आगे ब्रह्मपुत्र के सफर में जोगी घोपा नाम की जगह पर सदन भूटान से आने वाली मानस रिवर ज्वाइन करती है, जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद रिवर ब्रह्मपुत्र असम के धुबरी पहुंचती है। धुबरी में भूटान से आने वाली संकोच रिवर ज्वाइन करती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। संकोच रिवर को गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सदिया से धुबरी तक को नेशनल वाटरवे 2 डिक्लेयर किया गया है। धुबरी से नीचे की तरफ गारो हिल्स में साउथ टर्न लेती हुई ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इंडिया में रिवर ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस 916 किलोमीटर लंबे और घुमावदार सफर के दौरान ब्रह्मपुत्र सब बेसिन का निर्माण भारत के 6 राज्यों में करती है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ड्रेनेज एरिया के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़े एरिया को अपने अंदर संजोए बैठा है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,424 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहीं ड्रेनेज एरिया के हिसाब से ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जो इस रिवर के 7,300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फॉर्म करता है। दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इस रिवर का नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश के रंगपुर नाम की जगह पर तीस्ता रिवर इसमें आकर मिलती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता रिवर इंडिया के सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद जमुना यानी ब्रह्मपुत्र रिवर 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। इसकी वेस्टर्न ब्रांच जमुना के नाम से आगे बढ़ती है और गोवालिंडो घाट पर पद्मा यानी हमारी गंगा रिवर में मिल जाती है, जबकि ईस्टर्न ब्रांच ओल्ड ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये ब्रांच जमुना के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉलर है और ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हुई ढाका में मेघना रिवर में चांदपुर नाम के स्थान पर जाकर मिल जाती है। अपने सफर के आखिर में ब्रह्मपुत्र का मेघना रिवर के रूप में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अंत हो जाता है और इस तरह तिब्बत से शुरू हुई ब्रह्मपुत्र रिवर का सफर समाप्त होता है। दोस्तों नदियों को मानव सभ्यता की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि नदियों ने मानव समाज की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सहित सभी जरूरतों को पूरा किया है। यही कारण है कि वैदिक काल से ही हमारे पुराणों में इन नदियों का जिक्र पाया गया है। दोस्तों ऋग्वेद के नदी सूक्त से हमें 21 नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पूर्व की गंगा से लेकर पश्चिम की कुभा का उल्लेख है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग भारतवर्ष यानी हमारे एंशियंट इंडिया में गंगा और कुभा के बीच सरस्वती, रवि और झेलम जैसी अनेक नदियां बहती हैं, लेकिन आज हम जिस नदी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंधु। दोस्तों सिंधु रिवर और कोई नहीं, आज के इंडिया पाकिस्तान के बीच बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंडस का ही एंशियंट नाम है। वही इंडस जिसे वाल्मीकि रामायण में महानदी कहा गया है, वही इंडस जिसका उल्लेख जैन टेक्स्ट
जम्बूद्वीप प्रगति में देखने को मिलता है। वही इंडस जिसे ग्रीक लिटरेचर में द सिंथोस के नाम से पुकारा गया है और वही इंडस जो एंशिएंट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो का केंद्र बिंदु थी। तो आज भले ही धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है जिसे माँ का दर्जा प्राप्त है, यहाँ तक कि 20th ऑफ मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे लिविंग एंटिटी की तरह राइट्स तक दे दिए थे। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, गंगा नदी हिंदुस्तान की आस्था से लेकर हिंदुस्तान की आत्मा में जो बसती है। लेकिन दोस्तों फिर भी भारतीय इतिहास की कहानी को सिंधु या इंडस के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे, जहां हम इस रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे। इंडस कहां से ऑरिजिनेट होती है और उसका एंड पॉइंट क्या है, किन किन देशों से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट क्या है, इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और आखिर ये पंचनद क्या है। दोस्तों इंडस रिवर एशिया की ट्रांस बाउंड्री और साउथ और सेंट्रल एशिया की एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये एशिया के जिन अलग अलग देशों से होकर बहती है उनमें तिब्बत, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इंडस रिवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज के बुखारचू ग्लेशियर के पास से ओरिजिनेट होती है, जो कि फेमस मानसरोवर लेक के पास ही मौजूद है। वही मानसरोवर लेक जहां से दो और इम्पॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन होता है, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों यदि हम इंडस की कुल लंबाई की बात करेंगे तो तिब्बत से ओरिजिनेट होकर अरेबियन सी तक जाने वाली इस रिवर की टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, जहां इंडिया में ये रिवर 1114 किलोमीटर का सफर तय करती है। इंडस रिवर सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो 1,65,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक्सटेंडेड है और इसका दायरा तिब्बत, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इंडिया में इस रिवर का ड्रेनेज एरिया 321,289 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 9.8% है। जैसे पहले माना जाता था कि इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर के पास मौजूद सिनकाबाब नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है, लेकिन बाद में इसके ओरिजिन पॉइंट को बुखारचू माना गया। इस रिवर के एग्जैक्ट कोर्स को बता पाना मुश्किल है क्योंकि इंडस ने कई बार अपना रास्ता बदला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1245 AD तक ये रिवर मुल्तान के वेस्टर्न रीजन से फ्लो करती थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 साल पहले ये रिवर गुजरात के पास कच्छ से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती थी, लेकिन 1819 के अर्थक्वेक की वजह से भुज के पास एक नेचुरल डैम बन गया, जिस वजह से इंडस रिवर का पानी यहाँ आना रुक गया और धीरे धीरे कच्छ का इलाका ड्राइड अप हो गया। हाल ही में कुछ न्यू रिसर्चेज में इंडस के ओरिजिन पॉइंट को तिब्बत के गेजी काउंटी में माउंट कैलाश के नॉर्थ ईस्ट से भी बताया जा रहा है। दोस्तों इंडिया में इंडस की प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सुतलज, जो उसके लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती हैं। अपने ओरिजिन के बाद से हिमालयस की इनएक्सेसिबल केव्स के थ्रू पास करती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और इसके आगे इंडस पाकिस्तान के प्लेन से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इस तरह इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि इसके वाटर के यूज को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी पर 19th of September 1960 को इंडिया के PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने रावलपिंडी में साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडस रिवर सिस्टम की 6 रिवर्स का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया था, जो इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाती हैं। इनमें से 3 ईस्टर्न रिवर्स यानी रवि, ब्यास और सुतलज के पानी पर इंडिया को फुल राइट दिया गया। वहीं 3 वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चिनाब और इंडस के वाटर को अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ पाकिस्तान के लिए डिसाइड किया गया। वहीं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के टोटल वाटर में से करीब 20% वाटर को लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजम्पटिव यूजर्स जैसे पावर जनरेशन, नेविगेशन एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकता है। 12th ऑफ जनवरी 1961 से इस ट्रीटी की सभी टर्म्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो दोस्तों चलिए अब हमें इंडस के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई है, अब इस रिवर के कोर्स को स्टेप बाई स्टेप मैनर में देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंडस रिवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। दरअसल बुखारचू ग्लेशियर से इंडस का उद्गम कई छोटी स्ट्रीम्स के रूप में होता है, जो आगे चलकर इंडस रिवर को फॉर्म करती हैं। इंडस रिवर को तिब्बत में सेंगेचू यानी लायन रिवर या सिंगी खम्बाई यानी शेर के मुख वाली रिवर भी कहा जाता है। यहां से निकलने पर इंडस रिवर अपना कोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज कर देती है। तिब्बत में ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर फ्लो करने के बाद लद्दाख के सहारे ये नदी इंडिया में एंटर करती है। दोस्तों इंडस रिवर इंडिया में डेमचौक नाम की जगह से एंटर करती है, इसके बाद ये काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती हुई
आगे बढ़ती है। हालांकि लद्दाख रेंज के ज्यादा पास से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हुए इंडस दुमती नाम की जगह जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर यानी LAC के पास ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, वहां से शार्प साउथ वेस्ट डायरेक्शन टर्न लेते हुए लद्दाख रेंजेस को क्रॉस करती है। लद्दाख रेंजेस और जांस्कर वैली के बीच फ्लो करते हुए इंडस लद्दाख के ले रीजन में पहुंचती है। ले डिस्ट्रिक्ट के निमो के पास जांस्कर रिवर आकर इंडस में ज्वाइन करती है। जांस्कर रिवर इंडस की फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है जो हिमालयन रेंज के नॉर्थ ईस्ट से ऑरिजिनेट होती है और हिमालयाज और जांस्कर के बीच नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई इंडस रिवर के नियर आकर मिलती है। जांस्कर रिवर इंडस की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ले से आगे भी इंडस रिवर सेम डायरेक्शन यानी नॉर्थ वेस्टर्न कोर्स में आगे बढ़ते हुए कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बटालिक टाउन पहुंचती है। इसके बाद कारगिल होते हुए इंडस रिवर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC क्रॉस करते हुए POK में एंटर करते हुए बाल्टिस्तान रीजन के स्कर्दू पहुंचती है। दोस्तों इंडस रिवर के बाल्टिस्तान रीजन पहुंचने पर स्कर्दू टाउन के ईस्ट में कैरिस नाम की जगह पर श्योक रिवर इंडस रिवर में आकर ज्वाइन करती है। श्योक रिवर इंडिया के कश्मीर रीजन के काराकोरम रेंजेस में सियाचिन के रिमो ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। श्योक रिवर इंडिया की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। स्कर्दू से आगे भी रिवर इंडस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ती हुई गिलगिट पहुंचती है। यहाँ जुगलोट और बुंजी नाम के टाउन्स के पास गिलगिट रिवर इंडस में आकर ज्वाइन करती है जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गिलगिट से इंडस रिवर साउथ टर्न लेती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है, जहां ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP में एंटर करते हुए पाकिस्तान पहुंच जाती है। दोस्तों इंडस पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है और ये वहां की नेशनल रिवर है। जब इंडस POK से होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है तो रीजन में हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट मेजर पीक नंगा पर्वत पड़ता है। ये पीक बहुत से ग्लेशियर का होम भी है, जिन ग्लेशियर से कई स्ट्रीम इंडस रिवर में आकर मिलती है जो इस रिवर के वाटर लेवल को काफी बढ़ा देती है। यहां से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस को क्रॉस करते हुए इंडस प्लेन्स में एंटर कर जाती है और पंजाब प्रोविंस पहुंचती है, जहां अटोक नाम की जगह पर काबुल रिवर इंडस में आकर ज्वाइन करती है जो कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन्स के सांगलाख रेंज से ऑरिजिनेट होती है और इस्लामाबाद के नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर में ज्वाइन होती है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काबुल नदी ही वो कुबर रिवर है जिसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। आगे इंडस रिवर को पंजाब प्रोविंस के राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के मिठानकोट नाम की जगह के पास पंचनद रिवर्स ज्वाइन करती हैं। दोस्तों पंचनद का लिटरल मीनिंग होता है 5 रिवर्स। दरअसल पंचनद 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यानी झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज के एक्युमुलेटेड वाटर को कहा जाता है। वहीं पंजाब का नाम भी इन्हीं पांचों नदियों के मिलने से बना है। तो आइए इंडस की इन पांचों ट्रिब्यूटरीज को विस्तार से जानते हैं जो पंचनद का निर्माण करती है। दोस्तों झेलम रिवर पंजाब की 5 रिवर में से वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। झेलम को ऋग्वेद में विस्तुस्ता, ग्रीक लिटरेचर में हाइड्रोस्पेस और कश्मीर में लोकली वेट नाम से भी जाना जाता है। ये वही हाइड्रोस्पेस है जिसके किनारे 326 BC में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। इंडस का ओरिजिन कश्मीर वैली के पीर पंजाल रेंज में मौजूद विरियांग के स्प्रिंग से माना जाता है, जिसके बाद ये रिवर श्रीनगर और वुलर लेक होते हुए आगे बढ़ती है। बारामूला में झेलम रिवर एक जॉर्ज के थ्रू पास करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। अप्रॉक्सीमेटली 724 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये पंजाब प्रोविंस के जहांग डिस्ट्रिक्ट में त्रिमू नाम की जगह पर चिनाब रिवर से ज्वाइन होती है। झेलम की मेजर ट्रिब्यूटरी किशन गंगा है जिसे नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चिनाब रिवर इंडस रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो जांस्कर रेंज के लाहौल स्पीति पार्ट में बारालाचा पास के करीब से ऑरिजिनेट होती है। यहाँ दो स्मॉल स्ट्रीम्स बारालाचा पास के ऑपोजिट साइड से निकलती हैं। इसमें एक का नाम चंद्र और दूसरा का नाम भागा है। इन दोनों के मिलने से ही चंद्रभागा रिवर फॉर्म होती है जिसे चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। ये पंगी वैली होते हुए किस्वर में एक डीप जॉर्ज को कट करती हुई जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर के प्लेन में एंटर करती है। फिर यहाँ से ये पाकिस्तान चली जाती है जहाँ पंचनद में झेलम और रवि रिवर वाटर्स रिसीव करने के बाद सतलुज में मिलती हैं। पंचनद की थर्ड रिवर है रवि जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नियर कुल्लू हिल से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद पीर पंजाब और धौलाधार रेंजेस के बीच फ्लो करती हुई चंबा क्रॉस करती है और साउथ वेस्टर्नली टर्न लेती हुई धौलाधार रेंज की एक डीप जॉर्ज को कट करती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस माधोपुर के पास प्लेन्स में एंटर करती है, जहां ये रंगपुर के पहले चेनाब में मिल जाती है। पंचनद की फोर्थ रिवर ब्यास है।
जो रोहतांग पास के करीब से ऑरिजिनेट होती है, जिसके बाद ये धौलाधार रेंज को क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में आगे जाकर इंडिया में ही पंजाब के हरिके नाम की जगह पर सतलुज रिवर में मिल जाती है। ब्यास रिवर की टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है। दोस्तों, सतलुज का एंशियंट नाम शुतुद्री है, जिसे ग्रीक लिटरेचर में ज़ाराड्रोस नाम से भी जाना जाता है। सतलुज पंचनद की फिफ्थ रिवर है, जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ऑरिजिनेट होती है। इंडस रिवर की तरह ये भी तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री पर शिपकीला तक नॉर्थ वेस्टर्नली डायरेक्शन में बहती हुई पंजाब के प्लेन्स में एंटर करने से पहले नैना देवी धार में एक जॉर्ज को कट करती है, जहां फेमस भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। रोपर में प्लेन्स में एंटर करने के बाद ये वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में टर्न होती है और इसमें हरिके के पास ब्यास रिवर ज्वाइन होती है। फिरोजपुर से फजिलका तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नियरली 120 किलोमीटर की बाउंड्री फॉर्म करती है। आगे के सफर में इसे पाकिस्तान में रवि, चिनाब और झेलम रिवर्स का कलेक्टिव ड्रेनेज मिलता है और ये मिठानकोट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। सतलुज की टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर है, जिसमें इंडियन टेरिटरी में ये 1050 किलोमीटर फ्लो करती है, यानी इंडस रिवर सिस्टम की ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इस तरह पंचनद में मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए इंडस रिवर सिंध प्रोविंस पहुंचती है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है और डेल्टा का निर्माण करती है और फाइनली कराची के पास अरेबियन सी में गिरती है और इस तरह पूरी होती है इंडस रिवर की जर्नी। यमुना भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। यमुना की टोटल लेंथ है 1376 किलोमीटर और ये रिवर भारत के 7 स्टेट्स और यूटी से होकर गुजरती है। यमुना का बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरी एनसीटी दिल्ली के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपूंछ पीक के पास चंपासार यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये ग्लेशियर का एलिवेशन 6387 मीटर है और ये लोअर हिमालयास के मसूरी रेंज का हिस्सा है। यही रेंज में हमें यमुनोत्री टेम्पल भी मिलता है, जहां यमुना रिवर को पूजा जाता है। यमुना अपने पूरे कोर्स के दौरान गंगा में विलीन होने तक 5 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में डिवाइड की जा सकती है। हिमालयन सेगमेंट, अपर सेगमेंट, डेली सेगमेंट, इट्रिफिकेटेड सेगमेंट और डाइल्यूटेड सेगमेंट। हिमालयन सेगमेंट 172 किलोमीटर लॉन्ग है और यहाँ यमुना अपने ऑरिजिन से ताजेवाला बैराज तक बहती है। अपर सेगमेंट में यमुना ताजेवाला बैराज से वजीराबाद बैराज तक का सफर तय करती है। इसका स्ट्रेच 224 किलोमीटर है। दिल्ली सेगमेंट में यमुना 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में वजीराबाद बराज से ओखला बराज तक बहती है। यहाँ यमुना को ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओखला बराज से यमुना के पानी को आगरा कैनाल में इरिगेशन पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। ओखला बराज के आगे डाउनस्ट्रीम में बहने वाला यमुना का पानी ईस्ट दिल्ली, नोएडा और साहिबाबाद से निकलने वाले डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से मिलता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज द्वारा ज्वाइन होने के बाद यमुना प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आइए यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पर नजर डालते हैं। यमुना के कैचमेंट एरिया का 70.9% हिस्सा इसकी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती हैं। एक तरफ जहां हिंडन, हनुमान गंगा और ससुर खदेरी यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गिरी, टोंस, बघेन, साबी, चंबल, बेतवा, सिंध और केन यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोंस रिवर की। तो टोंस यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, जो गढ़वाल, उत्तराखंड से बहती है। ये नदी 3900 मीटर की ऊंचाई पर ओरिजिनेट होती है और देहरादून, उत्तराखंड के पास कलसी के आसपास यमुना नदी से मिलती है। गिरी रिवर कोकथाई हिल्स में ओरिजिनेट होती है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मोकमपुर के नीचे पांवटा के ऊपर यमुना से मिल जाती है। हिंडन एक रेनफेड नदी है, जो अपर शिवालिक से ओरिजिनेट होती है। ये 400 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए दिल्ली के बाहर यमुना में मर्ज होने के पहले मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, बागपत डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से होकर गुजरती है। सिंध नदी मालवा प्लेटू के विदिशा जिले में ओरिजिनेट होती है और फिर मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। फिर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में चंबल नदी के संगम के बाद थोड़ा नीचे यमुना नदी से जुड़ जाती है। ये नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। ये जबलपुर जिले के अहिरगावान गांव के पास से लेकर फतेहपुर तक बहते हुए उत्तर प्रदेश के पास चिल्ला गांव में जाकर यमुना से जुड़ जाती है। विंध्या पर्वत से बेतवा नदी, जो बेतरावती के नाम से भी जानी जाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है।
यमुना और बेतवा हमीरपुर जिले में बहती हैं। चंबल राजस्थान से बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये विंध्य रेंज में मऊ के पास से उत्पन्न होती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक 960 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। इटावा जिले के सोहान गांव के दक्षिण में चंबल यमुना से जुड़ जाती है। यमुना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्लेन्स में प्रवेश करती है और फिर प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। यमुना की कैचमेंट एरिया गंगा बेसिन एरिया का 40% प्रदान करती है और गंगा बेसिन की 15.27% पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करती है। तो नर्मदा इंडियन पेनिनसुला की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक माउंटेन रेंज से ऑरिजिनेट होती है। ताप्ती और माही रिवर के साथ साथ नर्मदा पेनिनसुला की वन ऑफ द मेजर रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यदि नर्मदा के ओरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थल की बात करें तो ये नर्मदा कुंड नाम के छोटे से रिजर्वायर यानी जलाशय से ओरिजिनेट होती है जो कि ईस्ट मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक हिल पर 1057 मीटर या कहें 3467.8 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। नर्मदा देश की फिफ्थ लार्जेस्ट और गुजरात की लार्जेस्ट रिवर है। ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू फ्लो करती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर मिलती है। नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ फ्रॉम सोर्स टू सी 1312 किलोमीटर है जिसमें से 1079 किलोमीटर का डिस्टेंस ये सिर्फ मध्य प्रदेश में पूरा करती है। इसके आगे ये रिवर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 35 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर और फिर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 39 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद ये नदी गुजरात में अपनी अंतिम 159 किलोमीटर तक की जर्नी पूरी करती है। संस्कृत लैंग्वेज में नर्मदा का अर्थ द गिवर ऑफ प्लेजर होता है। नर्मदा बेसिन 98,796 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका दायरा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है जो कि देश की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का नियरली 3% है। इसके रिवर बेसिन की मैक्सिमम लेंथ 923 किलोमीटर और विड्थ 161 किलोमीटर है। ये नॉर्थ में विंध्यास, ईस्ट में माइकला और साउथ में सतपुड़ाज और वेस्ट में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अगर नर्मदा के ड्रेनेज एरिया की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया मध्य प्रदेश में मौजूद है। एमपी में नर्मदा का टोटल ड्रेनेज एरिया 85,859 स्क्वायर किलोमीटर का है जबकि महाराष्ट्र में ये रिवर सिर्फ 1538 स्क्वायर किलोमीटर के ड्रेनेज एरिया में फैली हुई है। वहीं गुजरात में ये 11,399 स्क्वायर किलोमीटर है। नर्मदा रिवर की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। इसमें 22 लेफ्ट बैंक और 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम है बर्नर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, कुंडी, गोई और करजन। वहीं इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हिरदन, तिंदोई, बारना, कोलार, मान, उरी, हथनी और ओरसांग। दोस्तों रिवर नर्मदा अमरकंटक रेर से ऑरिजिनेट होने के बाद करीब 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसके बाद सडनली 25 मीटर की हाइट से नीचे गिरते हुए ये रिवर मैग्निफिशेंट कपिलधारा फॉल्स का निर्माण करती है। डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते नर्मदा में तुरार, सियोनी, मछरार और छकरार जैसी रिवर आकर मिलती हैं। अपने सोर से 140 किलोमीटर फ्लो करने के बाद नर्मदा वेस्ट डायरेक्शन छोड़कर साउथ की ओर मुड़ जाती है और मांडला और रामनगर के बीच करीब 25 किलोमीटर तक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। साउथ डायरेक्शन में चलने के बाद नर्मदा एक बार फिर नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लेती हुई मांडला को घिरती हुई एक सर्कल बनाती है। इस बीच बांगर नाम की एक रिवर नर्मदा में आकर ज्वाइन होती है। बांगर नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके आगे बढ़ते हुए रिवर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। जबलपुर से पहले नर्मदा पर बरगी डैम बना हुआ है। इसके आगे नर्मदा रिवर 9 मीटर नीचे फॉल करते हुए धुआंधार फॉल या जैसे फॉल ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है का निर्माण करती है। जबलपुर के बाद नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर और हरदा डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो करती है जहां शेर, शक्कर, तवा, गंजल, अजनाल जैसी रिवर इसमें ज्वाइन होती चली जाती है। हरदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नेमावार को नर्मदा का मिडिल पॉइंट या नेवल ऑफ नर्मदा माना जाता है। हरदा डिस्ट्रिक्ट के बाद नर्मदा ईस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। उसके बाद देवास और खांडवा डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट और वैलीज के थ्रू फ्लो करती हुई नर्मदा फेमस ओमकारेश्वर मानधाता तक पहुंचती है जहां ओमकारेश्वर धाम है जो कि पावन 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। ओमकारेश्वर के बाद नर्मदा एक बार फिर फॉरेस्ट एरिया के थ्रू फ्लो करती हुई बड़वाह के आसपास जंगलों से बाहर निकलती है और कुछ दूर तक फ्लो करने के बाद बड़वानी झबुआ में दोबारा फॉरेस्ट एरिया में एंटर करती है।
इसके बाद झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के आगे नर्मदा मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाती है। इस तरह यह अमरकंटक में ओरिजिनेट होने से मध्य प्रदेश छोड़ने तक 1079 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, जो कि इसकी टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर का लगभग 82.24% है। मध्य प्रदेश से बाहर निकलने के बाद नर्मदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 35 किलोमीटर की कॉमन बाउंड्री फॉर्म करते हुए फ्लो करती है। इसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच 39 किलोमीटर तक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और अंत में गुजरात में 159 किलोमीटर तक की जर्नी पूरी करती है और फाइनली बहरूच के पास अरेबियन सी के पास गल्फ ऑफ कैम्बे में मिल जाती है। दोस्तों, नर्मदा रिवर इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नर्मदा रिवर पर कई इम्पॉर्टेंट डैम्स भी बने हुए हैं। इनमें गुजरात का सरदार सरोवर डैम और एमपी में इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, बरगी डैम और जोबाद डैम मुख्य नाम है। दोस्तों, सनातन धर्म में जिन 10 नदियों की सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता बताई गई है, उनमें से नर्मदा रिवर एक प्रोमिनेंट रिवर है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव अमरकंटक में मैकल पर्वत पर तप कर रहे थे। उस समय उनका पसीना धरती पर गिरा, उसी से नर्मदा का जन्म हुआ। वहीं नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा की इसी ख्याति की वजह से इंडिया की यह अकेली ऐसी नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है, जिसे नर्मदा प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहा जाता है। ये परिक्रमा अमरकंटक या ओमकारेश्वर से शुरू होती है और नर्मदा के दोनों किनारों की यात्रा वही पूरी की जाती है जहां से शुरू की गई थी। ये परिक्रमा 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में पूरी की जाती है। तापी नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई रिजर्व से होता है। ये पेनिनसुलर इंडिया के नदियों में दूसरी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। तापी नदी का टोटल ड्रेनेज एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी का 80% ड्रेनेज एरिया महाराष्ट्र में आता है, वहीं इसके बाकी ड्रेनेज एरिया में से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य शामिल हैं। तापी नदी के नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है, जबकि साउथ में अजंता रेंज और सतमाला हिल्स हैं। वहीं तापी नदी के ईस्ट भाग में महादेव हिल्स हैं और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है। ये रिवर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच 54 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री का निर्माण करती है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र में 228 किलोमीटर बहकर गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में 214 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी तय करने के बाद ये रिवर सूरत से गल्फ ऑफ खंबात होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। सूकी, अरुणावती और गोमेन तापी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं मोना, सिपना, वघूर, अमरावती, बोरी, गिरना, पांजरा, बुरे और पूर्णा तापी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो पूर्णा नदी तापी की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जिसका टोटल ड्रेनेज एरिया 18,929 स्क्वायर किलोमीटर है। पूर्णा आदिलाबाद के नॉर्थ वेस्ट में तापी नदी से जुड़ती है। वहीं गिरना नदी नासिक जिले के वेस्टर्न घाट के केम पीक से निकलती है। ये तापी नदी नंदेत के पास से जुड़ती है। ऐसे ही बोरी नदी नासिक जिले के नॉर्थ वेस्टर्न कोने में मालेगांव सब डिवीजन से निकलती है। ये नदी बेटावत के पास तापी नदी से जुड़ जाती है। गोमाई नदी सतपुड़ा रेंज के सदर्न स्लोप से उत्पन्न होती है। ये लगभग 58 किलोमीटर तक साउथ वेस्ट की ओर बहती है, फिर प्रकाशा के पास तापी के दक्षिणी किनारे पर जुड़ जाती है। इस नदी का हाइड्रो पावर पोटेंशियल हाई है और इसीलिए हमें इस पर हथनूर डैम, उकाई डैम और गिरना डैम्स मिलते हैं। दोस्तों, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के जोर विलेज के पास वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। ये महाबलेश्वर के नॉर्थ में 1337 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर ओरिजिनेट होती है, जो कि अरेबियन सी से 64 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होने के बाद रिवर कृष्णा आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इस तरह वेस्टर्न घाट्स के अपने ओरिजिन से बे ऑफ बंगाल में आउटफॉल होने तक ये रिवर लगभग 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यदि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसके राइट बैंक में ज्वाइन करती हैं। वहीं भीमा, मूसी और मुनेरा रिवर इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अपने ओरिजिन पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई कृष्णा रिवर वाई नाम की जगह की तरफ आगे बढ़ती है। इसके बाद कोयना नाम की ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर में आकर ज्वाइन होती है। कोयना रिवर भी सतारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर से ही ओरिजिनेट होती है और कराड नाम की जगह पर कृष्णा रिवर में मिलती है। इनके कॉन्फ्लुएंस को प्रीति संगम यानी लव कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। कोयना रिवर कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। महाराष्ट्र में ज्यादातर रिवर्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, लेकिन कोयना रिवर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये रिवर कोयना डैम और कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। कोयना डैम महाराष्ट्र का लार्जेस्ट डैम है। इसे पश्चिम महाराष्ट्र और आसपास के रीजन में
पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की जाती है। कोयना के कॉन्फ्लुएंस के बाद रिवर कृष्णा आगे बढ़ती है और उसके लेफ्ट बैंक में येरला नाम की रिवर आकर ज्वाइन होती है। येरला रिवर सतारा डिस्ट्रिक्ट के खटाव तालुका के महास्कोबा हिल से ऑरिजिनेट होती है और सांगली डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मनाल के पास कृष्णा रिवर में आकर ज्वाइन होती है। ब्रह्मनाल से आगे बढ़ने पर कृष्णा रिवर में वारणा नाम की नदी आकर मिलती है जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वारणा सह्याद्री माउंटेन रेंज के पठारपुंज प्लेटू के प्रचितगढ़ से ऑरिजिनेट होकर आती है और सांगली के पास हरिपुर में कृष्णा को ज्वाइन करती है। इसके बाद रिवर कृष्णा महाराष्ट्र में सांगली से कर्नाटका बॉर्डर तक साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन में फ्लो करती है। इस बीच कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के नरसोवावाड़ी नाम की जगह पर पंचगंगा नाम की रिवर कृष्णा में ज्वाइन होती है। पंचगंगा कृष्णा रिवर की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पंचगंगा फोर स्ट्रीम्स कसारी, कुंभी, तुलसी और भोगावटी से मिलकर फॉर्म होती है। वहीं स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है कि एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम सरस्वती भी है, यही वजह है कि इसे पंचगंगा कहा जाता है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के बाद कृष्णा रिवर कर्नाटका में कुरुंदवार नाम की जगह से एंटर करती है जो कि कोल्हापुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आगे कृष्णा इस डायरेक्शन में टर्न लेती हुई नॉर्थ सेंट्रल कर्नाटका में इरेगुलर कोर्सेज में फ्लो करती है। इसके बाद कृष्णा रिवर में दूधगंगा नाम की नदी आकर मिलती है। दूधगंगा भी कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसकी लेंथ 103 किलोमीटर है। दूधगंगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए कर्नाटका बेलगाम क्रॉस करते हुए कृष्णा रिवर में मिलती है। दूधगंगा रिवर पर ही कलाम मवाड़ी डैम बना हुआ है। इसके बाद मालप्रभा रिवर कृष्णा में आकर मिलती है जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मालप्रभा कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के कानाकुंबी से ओरिजिनेट होती है और बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में कुडाल संगम पर कृष्णा रिवर में ज्वाइन होती है। इसके आगे के सफर में भीमा नाम की नदी कृष्णा में ज्वाइन होती है जो कि कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। भीमा रिवर महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में भीमा शंकर नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है और टोटल 861 किलोमीटर का सफर तय करके कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर के पास रायचूर में कृष्णा रिवर में ज्वाइन होती है। भीमा रिवर कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद कृष्णा तेलंगाना में एंटर करती है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट तेलंगाना में भी इरेगुलर कोर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तेलंगाना में तुंगभद्रा रिवर कृष्णा में ज्वाइन होती है। तुंगभद्रा दो रिवर तुंगा और भद्रा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से फॉर्म होती है जो कि वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट होती है और कर्नाटका में एक दूसरे में ज्वाइन होती है। इसके बाद यहां से इनकी संयुक्त धारा तुंगभद्रा कहलाती है। आपको बता दें कि कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा रिवर पर तुंगभद्रा डैम भी बना हुआ है। तुंगभद्रा से मिलने के बाद कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। इसके बाद ये नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर साउथ ईस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर नागार्जुना सागर डैम और श्रीसैलम डैम भी बना हुआ है। इसके बाद दोनों स्टेट्स का बॉर्डर बनाती हुई कृष्णा रिवर आगे बढ़ती है। इस दौरान मूसी नाम की रिवर इसके लेफ्ट बैंक में आकर ज्वाइन होती है जो कि अनंतगिरी हिल से ओरिजिनेट होकर आती है और तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद मूसी रिवर के बैंक पर ही लोकेटेड है। आगे कृष्णा रिवर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाती है। इसके बाद मुनेरा नाम की रिवर कृष्णा रिवर में ज्वाइन होती है। मुनेरा कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में इतूरू नाम की विलेज के पास कृष्णा रिवर में मिल जाती है। मुनेरू रिवर से मिलने के बाद कृष्णा रिवर साउथ की ओर फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कृष्णा डेल्टा कहा जाता है। इसके ठीक पास गोदावरी रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा भी मौजूद है। डेल्टा का निर्माण करती हुई रिवर कृष्णा आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हमसला देवी नाम की जगह से बे ऑफ बंगाल में गिरती है और इस तरह पूरी होती है कृष्णा रिवर की 1400 किलोमीटर की जर्नी। ब्राह्मणी ईस्टर्न इंडिया की एक इंपॉर्टेंट नदी है जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्यों में 39,033 स्क्वायर किलोमीटर ड्रेनेज एरिया कवर करती है। ये नदी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बोनाई पहाड़ियों के पूर्व की तरफ से निकलती है और लगभग 799 किलोमीटर तक बहकर धामरा के पास बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इस नदी की कई ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कोयल, संख और साउथ कारो रिवर और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि बैतरणी, सालांदी और गंगाधार रिवर। संख नदी झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से निकलती है। ये लगभग 155 किलोमीटर तक बहकर उड़ीसा के राउरकेला के पास ब्राह्मणी नदी से मिलती है। कोयल नदी झारखंड से निकलती है और सिमडेगा और गुमला जिलों में बहकर जाती है। ये उड़ीसा के पनपोश के पास ब्राह्मणी नदी से जुड़ती है। साउथ कारो नदी उड़ीसा के मयूरभंज जिले से निकलती है।
ये कलिंगानगर के पास ब्राह्मणी नदी में मिलती है। बैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर जिले से निकलती है। ये लगभग 360 किलोमीटर तक बहकर धमरा के पास ब्राह्मणी नदी में मिलती है। वहीं सालांदी नदी ओडिशा के बालासोर जिले से निकलती है, जो लगभग 150 किलोमीटर लॉन्ग तक बहकर ओडिशा के राजघाट के पास ब्राह्मणी नदी में मिलती है। आखिर में गंगाधार नदी ओडिशा के केंदुझर जिले से निकलती है। ये घंटी खाल के पास ब्राह्मणी नदी से मिलती है। नदी के क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी उपलब्ध हैं, जैसे आयरन ओर, कोल और बॉक्साइट। ब्राह्मणी नदी का हाई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस नदी पर रिंगाली डैम, मंदिरा डैम और पीतामहल डैम स्थित है। इसके साथ ही यह नदी हीराकुड झील की भी एक सोर्स है। साथ ही ब्राह्मणी का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये नदी घड़ियाल, जो कि एक IUCN लेबल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी है, ब्राह्मणी नदी में पाया जाता है। महानदी नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा माउंटेन रेंज से निकलती है। इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। रिवर बेसिन का मेजर कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बड़े हिस्सों को कवर करता है। हालांकि ये रिवर झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों को भी इंक्लूड करती है। ये कई बड़े शहरों और कस्बों से गुजरती है, जैसे रायपुर, संबलपुर और कटक। ये नदी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल इंडिया की पहाड़ियों से सदन और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न साइड में मैकल माउंटेन रेंज से घिरी हुई है। महानदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, मंद नदी, ओंग नदी और तेल नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पानाबरस की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पूरब की ओर बहती है और महानदी में मिलती है। जोंक नदी उड़ीसा के नुआपड़ा जिले में सुनाबेड़ा प्लेटू से निकलती है। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में सोनहाट से निकलती है। साउथवर्ड बहती हुई ये महानदी में जुड़ती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से निकलती है। ये नदी भी साउथ की ओर बहती है और महानदी में मिलती है। इब नदी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में निकलती है और साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए महानदी नदी से मिल जाती है। हीराकुड बांध, जो कि दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध है, वो महानदी रिवर पर ही बना हुआ है। इस नदी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हाई है, क्योंकि इसका पानी इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल में यूज किया जाता है। साथ ही महानदी का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हाई है। उदाहरण से समझे तो चिलिका, जो कि एक रामसर साइट है, उसे अपना 61% इनलैंड वाटर महानदी से मिलता है। वाटर पोटेंशियल में ये नदी पेनिनसुलर नदियों में गोदावरी नदी के बाद दूसरे रैंक पर है। दोस्तों, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिंबक पहाड़ी से ऑरिजिनेट होती है। त्रिंबक को त्रिंबकेश्वर हिल्स या ब्रह्मगिरी हिल्स भी कहा जाता है। ये जगह 1067 मीटर ऑल्टीट्यूड पर है, जो कि वेस्टर्न घाट पर सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट के रेंजेस को सह्याद्री रेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। रिवर गोदावरी का ऑरिजिन पॉइंट अरेबियन सी से मात्र 50 मील यानी करीब 80 किलोमीटर दूर है। गोदावरी त्रिंबकेश्वर से निकलने पर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। अपने ओरिजिन से करीब 64 किलोमीटर आगे बढ़ने पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में दारणा नाम की एक ट्रिब्यूटरी गोदावरी से आकर मिल जाती है। दोस्तों, दारणा रिवर सह्याद्रीज पीक के कलसुबाई रेंज से राइज होती है और नासिक में गोदावरी के राइट बैंक में ज्वाइन होती है। यानी दारणा गोदावरी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए गोदावरी का मिलन प्रवरा से होता है। प्रवरा रिवर मुला नाम की एक दूसरी रिवर से मिलने के बाद गोदावरी में आकर विलीन हो जाती है, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्रवरा रिवर भी वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती है और करीब 208 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में प्रवरा संगम नाम की जगह पर गोदावरी में ज्वाइन होती है। इसके बाद गोदावरी रिवर का रूप विस्तृत होने लगता है। आगे बढ़ने पर गोदावरी रिवर पर पूर्णा रिवर आकर मिलती है, जो कि गोदावरी की एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पूर्णा रिवर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता रेंज से ऑरिजिनेट होती है और करीब 373 किलोमीटर का सफर तय करने पर परभणी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी से मिल जाती है। इसी दौरान दुधना नाम की एक स्मॉल रिवर पूर्णा को ज्वाइन करती है। पूर्णा रिवर का पानी लेकर आगे बढ़ती हुई गोदावरी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच बॉर्डर बनाती हुई निजामाबाद के पास तेलंगाना में एंटर करती है। तेलंगाना में मंजीरा रिवर निजामाबाद के पास बसारा नाम की जगह पर गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती है, जो गोदावरी की एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा रिवर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में बालाघाट रेंज हिल से ऑरिजिनेट होती है। साथ ही मंजीरा को गोदावरी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी माना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गोदावरी रिवर पर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसे पोचमपाद डैम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरा रिवर के ज्वाइन होने के बाद जब गोदावरी रिवर आगे बढ़ती है तो तीन की ट्रिब्यूटरीज का पानी इसमें मिलता है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा।
इनमें वर्धा रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंजेस से ऑरिजिनेट होकर आती है। वर्धा रिवर में पेनगंगा नाम की नदी आकर मिलती है जो अजंता रेंज से ऑरिजिनेट होकर आती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में छपराला नाम की जगह पर वैनगंगा रिवर वर्धा में आकर मिल जाती है। वैनगंगा रिवर मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में महादेव हिल से ऑरिजिनेट होकर आती है और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में छपराला नाम की जगह पर वर्धा रिवर से मिल जाती है। इसके बाद जो धारा आगे बढ़ती है वो प्राणहिता रिवर कहलाती है। प्राणहिता रिवर तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी रिवर में ज्वाइन होती है। मंजीरा के बाद मनेर रिवर गोदावरी में ज्वाइन होती है जो इस नदी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद गोदावरी में आकर मिलन होता है इंद्रावती का। इंद्रावती रिवर गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में थुआमूल रामपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होकर आती है। यहाँ आपको बता दें कि तेलंगाना के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इंद्रावती रिवर और गोदावरी रिवर मिलती हैं, उसी के पास इच्छमपाली प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के उद्देश्य से 2008 में बनाया गया था, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के स्टेक्स हैं। तेलंगाना में धीरे धीरे गोदावरी रिवर साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेना शुरू कर देती है और आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम विलेज में साबरी रिवर गोदावरी में आकर ज्वाइन हो जाती है। साबरी गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ओडिशा के सिंकारम हिल रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। साबरी रिवर के ज्वाइन होने के बाद गोदावरी रिवर आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में एंटर करती है, जहां इसका फ्लो काफी कम हो जाता है और ये कई स्ट्रीम में बढ़ जाती है। पहले रिवर गोदावरी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसके एक ब्रांच को गौतमी या गौतमी गोदावरी कहते हैं, वहीं दूसरी स्ट्रीम वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है। आगे चलकर ये दोनों स्ट्रीम फिर दो दो धाराओं में बढ़ जाती है और राजमुंद्री सिटी के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश की एक सिटी है जिसे गोदावरी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बे ऑफ बंगाल में गिरने के बाद ये सभी स्ट्रीम यहाँ बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इस डेल्टा में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वहीं गोदावरी डेल्टा के पास ही कृष्णा रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा भी है। गोदावरी और कृष्णा रिवर यहाँ जो बेसिन फॉर्म करती हैं, उसे केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। ये बेसिन नेचुरल गैस का एक मेजर सोर्स है और ऐसे खत्म होता है नासिक की त्रिम्बकेश्वर हिल से शुरू हुआ इस दक्षिण गंगा या गोदावरी का सफर। स्वर्ण रेखा ईस्ट इंडिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के राज्यों से बहती है। स्वर्ण रेखा का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है सोने की लकीर या सोने की किरण। ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू में ओरिजिनेट होती है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये रांची डिस्ट्रिक्ट के पिक्स नगरी में ओरिजिनेट होती है। लगभग 395 किलोमीटर की कोर्स के बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये नदी क्षेत्र के लोगों के लिए इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन में कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर और गोल्ड पाए जाते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्वर्ण रेखा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर कई मल्टीपर्पज डैम बिल्ट है, जैसे कि चांडील डैम, गालुडी बराज और स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो कि हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज में कई प्रकार के मछलियों पाई जाती हैं, जैसे हिल्सा और रोहू, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस नदी और उसके आसपास के वनों में कई प्रकार के जंतुओं का निवास भी होता है, जैसे हाथी, बाघ और चीता। ये क्षेत्र कई प्रकार के पक्षियों का भी निवास स्थल है, जैसे इंडियन पिट्टा और एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हाई है क्योंकि इस नदी के मल्टीपल मेंशंस हमें महाभारत और रामायण में मिलते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये ओडिशा राज्य में उत्पन्न होती है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों से बहकर महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमाओं पर गोदावरी नदी से जुड़ जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इंद्रावती नदी थुआमूल रामपुर से ओरिजिनेट होती है, जो ओडिशा के कालाहांडी में स्थित ईस्टर्न घाट्स में है। फिर ये पश्चिम की ओर बहकर 164 किलोमीटर तक कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों के मध्य में बहती हैं और फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बॉर्डर पर लगभग 9.5 किलोमीटर तक बहती हैं। फिर ये नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 233 किलोमीटर तक बहने के बाद ये साउथ की ओर मुड़कर लगभग 129 किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बहती है। फाइनली ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों के सीमाओं पर गोदावरी नदी से जुड़ जाती है। इंद्रावती के मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं भस्केल रिवर, नारंगी रिवर, निम्रा रिवर, कोटरी रिवर और बंदिया रिवर।
वहीं सिर्फ नंदीराज नदी ही एकमात्र इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस नदी का हाई सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से इसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट की लाइफलाइन भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ इंद्रावती डैम प्रेजेंट है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज होता है। वहीं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से देखें तो इस नदी के पास इंद्रावती नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। महादई नदी, जो गोवा में मंडोवी नदी के नाम से जानी जाती है, ये कर्नाटका के बेलागावी जिले में स्थित भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऑरिजिनेट करती है। ये नदी कर्नाटका में 35 किलोमीटर तक बहती है, फिर इसका सफर गोवा में जारी रहता है, जहां पर ये 82 किलोमीटर तक बहकर पणजी में अरेबियन सी से मिल जाती है। ये एक रेनफेड रिवर है, जो कर्नाटका और गोवा के बीच अपने ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए यूज की जाती है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के टर्म्स में देखें तो मंडोवी रिवर के चुराव आइलैंड में सलीम अली बर्ड सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड है। इसके मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं कैलासा नाला, बंडूरी नाला, सुल्ला नाला, अल्तार नाला, पोती नाला, महादई नाला, पंशीर नाला, बैल नाला और अंधेर नाला। दोस्तों, कावेरी पेनिनसुलर इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर दो सदर्न स्टेट्स यानी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अपने ओरिजिन पॉइंट से आउटफॉल होने तक ये रिवर लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान ये 320 किलोमीटर कर्नाटका में, 416 किलोमीटर तमिलनाडु में और 64 किलोमीटर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कॉमन बॉर्डर बनाकर आगे बढ़ती है। हालांकि इसका ड्रेन सिस्टम तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी तक फैला हुआ है। यानी मोटे तौर पर ये चारों स्टेट इस रिवर सिस्टम का पार्ट है। दोस्तों, कावेरी का टोटल बेसिन एरिया 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें 34,273 स्क्वायर किलोमीटर कर्नाटका में, 43,856 स्क्वायर किलोमीटर तमिलनाडु में, 2,866 स्क्वायर किलोमीटर केरला में और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में 160 स्क्वायर किलोमीटर फॉल करता है। ये बेसिन एरिया देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 2.7% है और इसकी लेंथ 560 किलोमीटर और विड्थ करीब 245 किलोमीटर है। इस बेसिन के मेजर पार्ट का 66.21% एग्रीकल्चर लैंड से कवर्ड है, जबकि 4.09% वाटर बॉडीज द्वारा कवर्ड है। फिजियोग्राफिकली कावेरी बेसिन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर एक, वेस्टर्न घाट्स, नंबर दो, प्लेटू ऑफ मैसूर और नंबर तीन, डेल्टा। इनमें से डेल्टा एरिया कावेरी बेसिन का मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट है। साथ ही इस रिवर का बेसिन वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट और साउथ में ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ में कृष्णा बेसिन और पेनार बेसिन से इसे सेपरेट करने वाली पीक से घिरा हुआ है। यदि हम कावेरी के ड्रेनेज एरिया की बात करें तो ये 87,900 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां तमिलनाडु में 48,730 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटका में 36,240 स्क्वायर किलोमीटर और केरला में इसका 2,930 स्क्वायर किलोमीटर ड्रेनेज एरिया मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कावेरी रिवर कर्नाटका में ब्रह्मगिरी रेंज के पास मौजूद तालकावेरी से ऑरिजिनेट होती है। यहां से ये रिवर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। कुछ दूर तक अपना सफर तय करने के बाद कावेरी में हेमावती नाम की एक रिवर मिलती है। हेमावती कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कर्नाटका के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के पास वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होकर आती है और अप्रॉक्सिमेटली 245 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद कृष्णा राजा सागर के पास ये कावेरी में मिल जाती है। इसके बाद लक्ष्मणा तीर्था नाम की एक और रिवर यहीं कृष्णा राज सागरा में कावेरी को आकर ज्वाइन करती है। ये रिवर कूर्ग ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब लक्ष्मणा तीर्था रिवर कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ने पर कावेरी रिवर पर कृष्णा सागर डैम बना हुआ है। अपने आगे के सफर में कावेरी रिवर मैसूर को क्रॉस करती हुई फ्लो करती है और यहां से आगे चलते हुए कबानी नाम की रिवर राइट बैंक से कावेरी को ज्वाइन करती है। काबिनी को कपिला के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पनामरम रिवर और मनंथावाड़ी रिवर के कॉन्फ्लुएंस से ओरिजिनेट होती है और इस वाइड डायरेक्शन में फ्लो करती हुई कर्नाटका के तिरुमकुडालु नरासीपुरा के पास कावेरी रिवर में ज्वाइन होती है। इसके बाद कावेरी रिवर में ज्वाइन करने वाली ट्रिब्यूटरी का नाम है सुवर्णावती। ये रिवर भी कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो हुनहोले रिवर के नाम से भी जानी जाती है। ये मैसूर के नसूरघाट हिल से ओरिजिनेट होती है। सुवर्णावती रिवर को साथ लेते हुए कावेरी आगे बढ़ती है, जहां कावेरी फॉल्स हैं, जिसे शिवन समुद्रम फॉल्स भी कहा जाता है। शिवन समुद्रा में ये रिवर दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर 91 मीटर्स की हाइट से गिरती है। इसके बाद दोनों ब्रांचेस फिर से ज्वाइन होती है और एक वाइट जॉर्ज के थ्रू फ्लो करती है।
जिसे मेकेदातु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेकेदातु का लिटरल मीनिंग होता है गोट स्लीप यानी बकरे की छलांग। अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बाउंड्री बनाती हुई 64 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इस दौरान शिमसा नाम की रिवर कावेरी में ज्वाइन होती है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। शिमसा रिवर टुमकुर के देवरायण दुर्गा हिल से ऑरिजिनेट होती है और चामराजनगर नाम की जगह पर कावेरी में आकर मिलती है। इस तरह ये करीब 221 किलोमीटर की जर्नी पूरी करती है। इसके आगे कावेरी में आकर अर्कावती नाम की रिवर लेफ्ट बैंक से ज्वाइन होती है। ये रिवर चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट के नंदी हिल से ऑरिजिनेट होती है और रामनगर कनकापुर के थ्रू फ्लो करती हुई 34 किलोमीटर साउथ में कावेरी में आकर मिलती है। इसके आगे बढ़ते हुए कावेरी होगनाक्कल फॉल तक पहुंचती है। होगनाक्कल फॉल से ये सदर्न डायरेक्शन में लेटी हुई मेट्टूर रिजर्वायर में आकर एंटर करती है। मेट्टूर रिजर्वायर को स्टैनले रिजर्वायर के नाम से भी जाना जाता है। मेट्टूर रिजर्वायर से 45 किलोमीटर नीचे भवानी नाम की ट्रिब्यूटरी कावेरी में ज्वाइन होती है। ये रिवर कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भवानी रिवर का पानी लेने के बाद कावेरी रिवर ईस्टर्ली कोर्स लेती हुई तमिलनाडु के प्लेन्स में एंटर करती है जहां नोयाल और अमरावती नाम की दो ट्रिब्यूटरीज इसके राइट बैंक में मर्ज हो जाती हैं। नोयाल वेसन घाट्स के वेलियांगरी हिल से इमर्ज होती है जो कि केरला बॉर्डर के काफी करीब है। यहाँ ये अप्रॉक्स 180 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद करूर डिस्ट्रिक्ट में नयाल विलेज के पास कावेरी रिवर में ज्वाइन होती है। वहीं अमरावती रिवर तमिलनाडु और केरला बॉर्डर के पास तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के अनामलाई और पलानी हिल से ऑरिजिनेट होती है और करीब 282 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी रिवर में ज्वाइन होती है। साथ ही अमरावती कावेरी रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर पर अमरावती डैम बना हुआ है जो तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है। नोयाल और अमरावती रिवर के मिलने के बाद रिवर कावेरी सैंडी बेड के साथ वाइडन होती है और अखंड कावेरी के तौर पर फ्लो करती है। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करने के तुरंत बाद कावेरी फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसके नदन ब्रांच को कॉलरॉन कहा जाता है लेकिन सदन ब्रांच कावेरी के रूप में ही जानी जाती है और यहाँ से कावेरी डेल्टा शुरू होता है। इसके आगे करीब 16 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये दोनों स्ट्रीम्स एक बार फिर मिल जाती हैं जहां पर श्रीरंगम आइलैंड मौजूद है। यहां कावेरी ब्रांच पर ग्रैंड एनिकेट लोकेटेड है जिसे कलानाई डैम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड एनिकेट के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में चोला किंग द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ग्रैंड एनिकेट के नीचे कावेरी रिवर तीसरी बार दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, एक कावेरी स्ट्रीम और दूसरी वेन्नार स्ट्रीम, जहां आगे ये दोनों ब्रांचेस फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड और सब डिवाइड होती हैं, जिससे एक पूरे डेल्टा नेटवर्क का निर्माण होता है। इस डेल्टा को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा फॉर्म करती हुई कावेरी फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है और इस तरह पूरा होता है कावेरी का 800 किलोमीटर का लंबा सफर। पेरियार केरला की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है और इसका ड्रेनेज एरिया 5,398 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सेवागिरी पीक फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है जो देवीकुलम से 80 किलोमीटर साउथ में है और इसकी ऊंचाई मीन सी लेवल से 2,438 मीटर है। इसके कोर्स की बात करें तो ये नदी पश्चिम की ओर मुड़कर लगभग 16 किलोमीटर तक एक सैंड बेड में बहती है। लगभग 13 किलोमीटर के बाद ये नदी वंदी पेरियार तक पहुंचती है और नैरो गेज से गुजरती है जहां इससे पेरुमथुरा रिवर जुड़ती है। आगे बढ़ते हुए इसमें 6 ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी इडामाला पेरियार में जुड़ जाती है। मल्लयातूर को पार करके ये नदी अलग अलग ब्रांचेस में विभाजित होती है जिसमें से एक वेम्बनाड लेक वरपुझा भी है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मुलायार, चेरुधोनी और परेंजन कुट्टी। वही इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मुथिरापुझा, इडामाला और पम्बा। इडुक्की जिले से निकलने वाली मुथिरापुझा नदी मुनार क्षेत्र से गुजरकर मूलमट्टम में पेरियार नदी से जुड़ जाती है। पिरुमेद की पहाड़ियों से निकलने वाली इडामाला नदी इडामालयार अभयारण्य से गुजरकर मनियारन कुंडी में पेरियार नदी से जुड़ जाती है। वहीं पश्चिम घाट से निकलने वाली पम्बा नदी पथानामथिट्टा और अल्पुदा जिलों से निकलकर अरेबियन सी में मिलती है। इडुक्की जिले से निकलने वाली मुलायार नदी मुला पेरियार रिजर्व वन से गुजरकर कुटीकड़म के पास पेरियार नदी से जुड़ जाती है। इस तरह इडुक्की से निकलने वाली चेरुथानी नदी कुथिरावत्तम और कटप्पना नदियों का संगम बनकर चिरुतोनी डैम से गुजरकर चिरुतोनी में पेरियार नदी से जुड़ जाती है। लास्टली पश्चिम घाट से निकलने वाली पेरिंजन कुट्टी नदी पेरियार नेशनल पार्क से गुजरकर कालडी के पास पेरियार नदी से जुड़ जाती है। वैगई बेसिन जो कावेरी और कन्याकुमारी के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण बेसिन है। इस बेसिन को पश्चिम में वर्षनाडु हिल्स, अनिपट्टी हिल्स, कार्डमान हिल्स और पलानी हिल्स द्वारा घेरा गया है। वहीं पूरब में पाल्क स्ट्रेट और पाल्क बेस है।
वैगई नदी का ड्रेनेज एरिया 7,741 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पूरा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये नदी पाक बे में ड्रेन होती है। वैगई नदी वर्षनाडु हिल्स के ईस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट होती है, जो कि कोट्टायमलई मदुराई डिस्ट्रिक्ट में है। फिर ये पूरब और दक्षिण पूर्व दिशा में मदुराई, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों के मध्य बहने लगती है। लगभग 258 किलोमीटर की यात्रा के बाद वैगई नदी रामनाथ बिग टैंक और कुछ अन्य टैंकों में ड्रेन हो जाती है। टैंक से सरप्लस पानी अंत में मंडपम के पास पाक बे में गिर जाता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वराह नदी, मंजलार और सुरुलियार इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये तीनों नदियां वर्षनाडु हिल्स में ओरिजिनेट होती हैं। वराह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर पाक बे में मिलती है। मंजलार पश्चिम में बहकर वैगई नदी के संगम में मिलती है। सुरुलियार उत्तर पूर्व दिशा में बहकर वैगई नदी के संगम में मिलती है। पेनर नदी नंदी हिल्स के पहाड़ों से ओरिजिनेट होती है, जो कर्नाटका के चिकबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर ये उत्तर और पूर्व दिशा में बहकर आंध्र प्रदेश राज्य से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये लगभग 597 किलोमीटर लंबी है और इसका ड्रेनेज बेसिन 55,213 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 6,937 स्क्वायर किलोमीटर कर्नाटका में और 4,876 स्क्वायर किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। पेनर बेसिन उत्तर में इरारमाला रेंज से घिरा हुआ है, पूरब में ईस्टर्न घाट के नालामाला और वेलिकोंडा रेंज से, दक्षिण में नंदीदुर्ग पहाड़ों से और पश्चिम में कृष्णा बेसिन की वेदावती वैली से। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो हैं जयमंगल, कुंडेर, सगीलेरू, चित्रावती, पापाग्नी और चिरेयू। अडियार नदी चेंगलपट्टू जिले में स्थित चेंबर मबक्कम लेक से ओरिजिनेट होती है। ये एक ऐसी नदी है जो चेन्नई तमिलनाडु में से गुजरती है और अडियार एस्चुरी में बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये 42 किलोमीटर लंबी चेन्नई के एस्चुरियन इकोसिस्टम में अपना योगदान देती है। इस नदी में चेन्नई शहर के लगभग 200 तालाबों, झीलों, छोटी नदियों और रेन वाटर ड्रेन से प्राप्त सरप्लस वाटर ड्रेन होता है, जिसका कुल कैचमेंट एरिया 860 स्क्वायर किलोमीटर है। ये नदी अपने हाई पॉल्यूशन के लिए न्यूज में रहती है। उसी के साथ आज की वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। ये थी कहानी भारत की सभी नदियों की। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नदियां अभी भी रह गई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। साथ ही ये वीडियो एक काफी बड़ी डेटा फिट वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है या किसी डेटा को बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेंशन इट इन द पिंड कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।